बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध शरबत, ठंडा मज़ेदार, जो सबको बहुत ही और बच्चों को भी बहुत एनर्जी वाला दूध पसंद होता है। तो जी व्यूअर्स, इधर मैंने लिया है ये रेड वाला शरबत रूह अफ़ज़ा, और ये ऑलमोस्ट 10 बादाम के गिरिए हैं। चंद मैं लूँगी पिस्ता, ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, इसमें जेली जाएगी, और ये चाइना ग्रास है। व्यूअर्स, ये इजीली स्टोर से मिल जाती है, मैंने इसको पैकेट से निकाल के आपको अच्छे से दिखाने के लिए इसको डिस्प्ले किया है। इधर मैंने ये कंडेंस मिल्क, और ये तुख मलंगा है, ये तुख मलंगा आधा घंटा पहले भिगो ली थी, और इधर 1 लीटर के करीब दूध लिया है। तो चले व्यूअर्स, हम अपनी जेली पहले बनाते हैं और चाइना ग्रास को बना के तो फिर इसकी मिक्सिंग की तरफ आते हैं। तो जी व्यूअर्स, इधर मैंने अपनी सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया है। चाइना ग्रास इसको 1 कप पानी में डिसॉल्व करके तो इसको जमा के और इसको क्रश कर लिया है। जेली को भी 1 कप पानी में, जैसे जेली बनाते हैं नॉर्मली, यूजुअली सबको ही पता है, आलमंड्स को और जो ड्राई फ्रूट थे पिस्ता, उसको भी मैंने क्रश कर। ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, और इधर तो मलंगे भी ऑलमोस्ट 3 चम्मच के बराबर है। मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, इधर मैं रेड कलर का ये रूहअफ़ज़ा, आपको इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसका मीठा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे ये तो मलंगे जाएंगे, अच्छी तरह हम इनको मिक्स करेंगे, और इधर अब एक प्याली चाइना ग्रास जा रही है। व्यूअर्स, ये बहुत ही हेल्दी है, और बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है चाइना ग्रास। आप ज़रूर बच्चों को जो भी ड्रिंक बना के दें तो उसमें ये ज़रूर डाला करें। ये इधर हमारे ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं, और इधर ये मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर है। कोकोनट मिल्क पाउडर से बहुत यम्मीस्ट टेस्ट बनता है, और आप बिलीव करें कि बच्चे बहुत खुश हो के ये ड्रिंक लेते हैं। एंड में हम जेलीज को ऐड कर रहे हैं, जिसके चंक्स मुंह में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब अच्छे से सारा मिक्स हो गया है। चले व्यूअर्स, इधर हमारा मज़ेदार ठंडा दूध शरबत रेडी है, और महर्रमुल एहराम के मुताबिक ये मशरूब बनाया गया है, तो आप ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में अपने दोस्तों को भी बना के पिलाएं, और आप अपने कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये शरबत कैसा लगा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें,